والصلاه والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وعلى محمد بہت ہی مشہور اور معروف حدیث جس میں سرکار رسالت نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام حسین کی حیات طیبہ کے اوپر جب ہم نظر کرتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی چار دور اور چار زمانوں میں تقسیم ہے. آپ کی زندگی کا جو پہلا دور یا پہلا زمانہ ہے یہ آپ کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور رسول اللہ کی رحلت پر تمام ہوتا ہے, اور آپ کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے یہ رسول اللہ کی رحلت سے شروع ہوتا ہے اور امیر المومنین کی شہادت پر ختم ہوتا ہے. تیسرا دور اور تیسرا زمانہ جو امیر المومنین کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور سن 50 ہجری امام حسن کی شہادت پر تمام ہوتا ہے. چوتھا اور آخری دور جو خود آپ کی اپنی امامت کا ہے, جو سن 50 ہجری یعنی امام حسن کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور سن 61 ہجری آپ کی شہادت پر ختم ہوتا ہے. مختصر سا وقت ہے, لہذا یہ جو پہلا دور ہے اسی کے سلسلے میں کچھ باتیں. امام کی زندگی کا جو پہلا دور ہے یہ خود آغوش رسالت میں گزرا ہے. امام حسین جب دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میری آغوش میں دو. جناب ام ایمن جو اس گھرانے کی بڑی معظم اور محترم خاتون ہیں, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, بھی اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے, جو عام طور سے بچوں کو ولادت کے بعد غسل دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یا رسول اللہ کو غسل نہیں دیا گیا ہے. تو حضور نے فرمایا ام ایمن تم اس کو غسل دو گی. غسل ان کو دیا جاتا ہے کہ جو یہاں آنے کے بعد پاک ہوتے ہیں, اور جو خود پاک ہو کے آیا ہو اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر پاک ہو کے ہی نہیں آیا بلکہ وہ تو خود لوگوں کے نفسوں اور لوگوں کی نسلوں کی طہارت کا ذمہ دار ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو جناب ام ایمن نے ایک پارچے میں ایک کپڑے میں امام حسین کو لپیٹا, یعنی ایک کپڑا, اور رسول اللہ کی آغوش میں لا کر دیا.
अब रवायत है कि जैसे ही रसूलुल्लाह ने अपनी आगोश में लिया, बस रसूलुल्लाह ने आगोश में लेते ही आंसू बहाना शुरू कर दिया। जनाब फातिमा देख रही थी इस मंजर को, जनाब मैमन भी इस मंजर को देख रही थी। सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने आपकी बेटी को बेटा अता किया है, ये आंख में आंसू कैसे हैं, ये इस मौके के ऊपर गम कैसा? तो उस मौके के ऊपर रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटी अभी जिब्राईल आए थे और उन्होंने खबर दी है कि ये मेरा बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़बह होगा, 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद होगा। पहला दिन है इमाम हुसैन की विलादत का। मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि देखिए, करबला का वाकया कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंटली नहीं है कि अचानक हो गया, बस एक होने वाली बात थी। जैसे मुसलमानों में जो मुतासिब किस्म का तबका है, जो नासिबी तबका है, वो कहता है नहीं साहब, उसने यजीद की क्या कहता है, वो तो होने वाली बात थी जो हो गई, होने वाली बात थी, हो नहीं गई बाकायदा हकीकत में, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक वाकया है जिसकी खबर खुद पैगंबर ने दी। और कब दे रहे हैं पैगंबर? जिस दिन हुसैन इस दुनिया में तशरीफ ला रहे, उसी दिन पैगंबर इस वाकये करबला की खबर दे रहे हैं और इस वाकये से मुताल्लिक सबको आगाह और खबरदार कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। ये पहला दिन है। अब इसके बाद खुद इमाम हुसैन आगोश रिसालत में परवान चढ़ने लगे। इमाम हुसैन की जात वो जात है और खुद जनाब जहरा का घराना वो घराना है कि जिनके नाज कुदरत ने उठाए हैं, कुदरत ने उठाए हैं। जनाब उम्मे ऐमन, यही उम्मे ऐमन की जिनका मैंने जिक्र किया, ये कहती है कि एक दिन, क्योंकि अभी इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए थे, लिहाजा हर दूसरे तीसरे जाया करती हैं अयादत के लिए, मिजाज कुर्सी के लिए। तो कहती है, एक दिन मैं फातिमा की अयादत के लिए गई, फातिमा के मिजाज कुर्सी के लिए गई। मैंने दरवाजा खोला, पर्दा हटाया, तो जैसे पर्दा हटाया तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। मैं हैरत में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैंने देखा और मैं इस वाकये को देख के और इस मंजर को देख के उल्टे वापस आ गई, गई नहीं अंदर, और सीधे पैगंबर की खिदमत में गई। और पैगंबर की खिदमत में जाने के बाद मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज फातिमा की आदत के लिए गई थी, फातिमा की मिजाज कुर्सी के लिए गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, पर्दा हटाया, मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। पैगंबर ने फरमाया कि फातिमा तुमने क्या देखा, उम्मेमन तुमने क्या देखा? उम्मेमन कहती, या रसूल, जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मैंने देखा कि फातिमा सो रही है, बैठी हुई फातिमा सो रही है और उनकी हाथ में तस्बीह है जिसके दाने खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, खुद ब खुद उसके दाने बढ़ रहे हैं। सामने चक्की रखी है और वो खुद ब खुद चल रही है, खुद ब खुद हरकत कर रही है, और करीब में हुसैन का झूला है जो खुद ब खुद हरकत कर रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि फातिमा सो रही है, ये तस्बीह के दाने कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये चक्की कैसे चल रही है, ये झूला कैसे हरकत कर रहा है। या रसूलल्लाह, माजरा क्या है? पैगंबर ने फरमाया कि उम्मे ऐमन, तुमने जो कुछ देखा सच देखा। उम्मे ऐमन, आज मेरी बेटी रोजे से थी, चक्की चलाते चलाते थक गई थी। अब यहां गुबर भी एक लम्हा फिक्रिया है कि चक्की चलाते चलाते थक गई, कितनी जो होती होगी कि जिसको चलाते चलाते जनाब फातिमा थक गई। एक घर में एक दिन या एक वक्त में कितनी जो की जरूरत होगी, 1 किलो 2 किलो, लेकिन 1 किलो 2 किलो जो में कोई थकता नहीं है, कितनी देर की बात है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, और उसमें कोई थकन का एहसास हो, फिर जनाब फातिमा ये चक्की चलाते चलाते थक कैसे जाती थी। अजीजान मोहतरम, वाकयन बड़ा करीम घराना है,
जनाब फातिमा के लिए रवायतों में मिलता है कि जब अपने घर की जो पीस चुभती थी तो फिजा से कहती थी, फिजा देखो वो फला जगह के ऊपर बेवा रहती है, वो अपनी जो पीस नहीं पाएगी उसकी भी जौ ले आओ, और देखो वहां के ऊपर एक मजबूर औरत है वो काम कर नहीं सकती है उसकी भी जौ ले आओ। और इस तरीके से मदीने के नचाने कितने घरों की जौ जनाब फातिमा खुद मंगा लेती थी और उसको अपने हाथों से पीसती थी, और आटा जब तैयार हो जाता था उस आटे को उसके घर पहुंचवा देती थी। यह है किरदार जनाब फातिमा, ये है अंदाज जनाब फातिमा, यानी खुद खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत, लोगों के काम आना, लोगों का हाथ बटाना, बेवा और यतीम के सर पे हाथ रखना, मजबूरों का सहारा बनना, ये है जनाब फातिमा की सीरत। उम्मे ऐमन आज मेरी बेटी रोजे से थी और चक्की चलाते चलाते थक गई थी, अल्लाह ने उसके ऊपर नींद को गालिब किया, आरिस किया ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाए मेरी बेटी को। और क्योंकि फातिमा एक साथ तीन काम कर रही थी, तस्बीह भी पढ़ रही थी, चक्की भी चला रही थी और झूला भी झूला रही थी, लिहाजा अल्लाह ने आसमान से तीन फरिश्ते भेजे ताकि वो फरिश्ते फातिमा की तरफ से ये काम अंजाम दें। उम्मे ऐमन कहती है कि या रसूलल्लाह वो फरिश्ते कौन थे? पैगंबर ने फरमाया कि उम्मे ऐमन ये जो तस्बीह पढ़ रहे थे ये इसराफील थे, ये जो चक्की चला रहे थे ये मीकाईल थे, और ये जो हुसैन का झूला झूला रहे थे ये जिब्राईल थे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये पहला दौर है इमाम हुसैन की जिंदगी का, और अक्सर इमाम हुसैन खेलते हुए आते थे, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होते थे, रसूलुल्लाह अपनी बढ़ के आगोश में ले लेते थे, रसूलुल्लाह प्यार करते थे, कहते थे ये मेरी आंखों की ठंडक है हुसैन, मेरी आंखों की ठंडक है, और बोसा देते थे। क्योंकि जितने भी मकान थे मस्जिद नबवी खुद रसूल मस्जिद के अतराफ में, तो जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीने आए, मस्जिद तामीर हुई, तो जितने भी अतराफ में लोग आबाद थे या आबाद हुए सब ने अपने अपने दरवाजे मस्जिद में खोल लिए थे, मस्जिद में खोल लिए थे। अब मालूम है कि नमाज हुई और यहां इनका दरवाजा, यहां से ये चले आए, वहां से वो चले आए, वहां से वो चले आए, वहां से वो चले आए, वहां से वो, जैसे यहां दरवाजे लगे हुए हैं तो ये सबके दरवाजे हो गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया सबके दरवाजे बंद कराओ सिवाय अली के दरवाजे के। जैसे ही यह हुक्म आया रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि आज से सबके दरवाजे बंद, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहेगा, और वो दरवाजा किसका दरवाजा है? अली का। क्योंकि अली ही की शख्सियत वो शख्सियत है, अली ही वो अली है कि जो तमाम हालात में मस्जिद में वारिद हो सकते हैं, और दूसरे अफराद हर वक्त और हर हालत में नहीं आ सकते, हर हालत में नहीं आ सकते मस्जिद में। लिहाजा आज से सबके दरवाजे बंद, और जो मस्जिद का असल दरवाजा उधर से आइए। अब यहां पर रवायत है कि दूसरे खलीफा से मुतालिक कि ये आए और आने के बाद कहा कि या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो एक सुराख मैं कर लूं अपने घर से, दरवाजा नहीं तो सुराख की इजाजत दे दीजिए, ताकि जब मस्जिद में अजान हो, नमाज हो, खुतबा, तो हम देख लिया करें, या जब शुरू हो गई तो आ जाया करें। हुजूर ने कहा कि नहीं, सुराख की भी इजाजत नहीं है। और पैगंबर ने बिल्कुल सबके दरवाजे, एक दरवाजा खुला था वो था जनाब फातिमा का दरवाजा, वो था अमीरुल मोमिनीन का दरवाजा, क्योंकि मस्जिद से बिल्कुल मिला हुआ दरवाजा था, नमाज होती थी, और इमाम हुसैन इमाम हसन मौला अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले आते थे। और अभी इमाम हुसैन का बिल्कुल बचपना है और हुजूर नमाज अदा कर रहे हैं, और होता यह था कि जैसे ही नमाज शुरू हुई और इमाम हुसैन अपना बैतुल शरफ से निकले और नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़े, और आगे बढ़ के फिर कहां पीछे नहीं बैठते थे,
भाई आमतौर से बच्चे आते हैं पीछे बैठ जाते हैं, फिर जगह ले ली या तस्वीर ले ली या अपना मुसल्ला बिछा दिया या ऐसे ही कभी सजदे में तो कभी रुकू में कभी खड़े हुए हैं कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, आम बच्चों का भी ये हाल होता है। लेकिन इमाम हुसैन आए लेकिन पीछे खड़े नहीं हुए बल्कि कहां आए, पहली सफ में, दूसरी सफ में, सफों को चीरते हुए जो पीछे से सफा थी पहली सफ को पार किया, दूसरी सफ को पार किया, तीसरी सफ को पार किया और यहां तक के वहां के जहां हुजूर का मुसल्ला था। अजीजान मोहतरम, जाहिर सी बात है कैसे पीछे खड़े होते, इमाम पीछे खड़े नहीं होता, इमाम आगे होता है, इमाम आगे होता है। लिहाजा कहां आ गए कि जहां हुजूर का मुसल्ला था। अच्छा जब मुसल्ला था तो यहीं पे आके हुजूर के साइड में खड़े हो जाते और नमाज पढ़ने लगते, जैसे आमतौर से बच्चे करते हैं कि बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे होते हैं और बगल में कोई बच्चा आया और अपने लिहाज से कभी वो लेट गया सीधा सीधा और कभी सज्दे में चला गया और कभी खड़ा हो गया और कभी बैठ गया, आते और बैठ जाते और नमाज शुरू कर देते इमाम हुसैन उस बचपन में। लेकिन नहीं, इमाम हुसैन ने क्या किया, आने के बाद बैठ गए। हुजूर कयाम में है, हुसैन बैठे रहे। हुजूर रुकू में गए, हुसैन बैठे रहे। जैसे ही हुजूर सजदे में गए, हुसैन अपनी जगह से उठे और पुश्त पैगंबर पे, रसूलुल्लाह के पुश्त पे आ गए इमाम हुसैन। अब हुजूर सजदे को तूल दे रहे हैं, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। अब जाहिर की बात है कि जमात में होता तो यही है, जल्दी बहुत होती है लोगों को, जबकि मालूम है लोगों को कि इमाम से पहले उनकी नमाज पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अभी सजदा खत्म नहीं हुआ जिक्र फौरन सर उठा लिया, अभी रुकू तमाम नहीं हुआ फौरन सर उठा लिया। पता है कि इमाम से पहले उनकी नमाज पूरी नहीं होगी फिर भी चल दी तो। और उम्मन होता ही है कि अब अगर इमाम की आदत मसलन तीन मरतबा कहने की है, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, अब अगर चौथी मरतबा कह दिया तो आधे मजमे के सर ऊपर होते हैं और देखा कि अच्छा भी सजदे में फिर चले गए। अब जाहिर की बात है कि वहां के ऊपर भी ये कैफियत तो हुई होगी कि उमूमन क्योंकि तीन मरतबा सुभान रब्बी अला मुस्तहब है तो मुस्तहब का मतलब ही कि हुजूर तीन मरतबा कहते होंगे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। अब जब हुजूर ने कहा होगा चौथी या पांचवी मरतबा तो बहरहाल कुछ न कुछ सर तो उठे होंगे। अब जो सर उठे तो क्या देखा, हुजूर तो भी सजदे में और पुश्त पर नवासा, फिर सजदे में चले गए, नमाज तमाम हुई। अब इन्हीं नमाजियों में से एक साहब आगे बढ़े, यार खुल्ला खैरियत तो है, आज सजदा इतना तूलानी, आज सजदा इतना लंबा। पैगंबर ने फरमाया कि हां सजदा तूलानी था और उस तूलानी होने की एक वजह थी, वजह यह थी कि मेरी पुश्त के ऊपर मेरा नवासा मेरा बेटा हुसैन था। तो या रसूल्ला उसमें क्या है, अगर बेटा आ गया था नवासा आ गया था आहिस्ता से आप सर उठा लेते, आहिस्ता सर उठा लेते जैसे आमतौर से घरों में होता है, माए नमाज मां नमाज पढ़ रही होती है और बच्चा आगे पुश्त पर बैठ गया, बाप नमाज पढ़ रहा है बच्चा आगे पुश्त बैठ गया तो उसकी वजह से मां बाप नमाज को तूल थोड़े देते हैं, आहिस्ता से इस तरीके से सर उठाया कि बच्चे को कोई तकलीफ भी ना हो और नमाज की अपनी सूरत और अपनी हालत भी बाकी रहे। तो हुजूर भी ऐसे ही आराम से इत्मीनान से मजे में धीरे से सर उठा लेते कि हुसैन को कोई तकलीफ और अजियत भी ना होती और रसूलुल्लाह का सजदा भी हो जाता, लोगों की नमाज भी हो जाती। रसूलुल्लाह ने आवाज की कैसे सर उठाता, जिब्राइल हाथ पकड़े थे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आए कि जब तक हुसैन खुद से ना उतर जाए आप सजदे से सर मत उठाइएगा, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये छोटे छोटे वाकयात हैं इमाम हुसैन की जिंदगी के, लेकिन वाकई इमाम हुसैन की मारफत और इमाम हुसैन को खुद समझने के लिए काफी है कि इमाम हुसैन की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है अल्लाह की नजर में, रसूलुल्लाह की नजर में। ऐसे ही एक दिन हुजूर खुतबा दे रहे हैं, दरवाजा खुला और दरमियान खुतबा इमाम निकले, छोटे से इमाम हैं,
और जाहिर है जो अरबों का लिबास होता था यही लिबास, ये अबा है। अब बच्चे जाहिर के बाद जब ये अबा अपने दोस्त पे डालते हैं तो बहरहाल अगर चलेंगे तो पैरों में फंसती है। अब ये अबा डाले हुए इमाम जैसे ही हुजूर जब खुतबा दे रहे थे तो आगे बढ़ते चले जा रहे, जैसे ही आगे बढ़े तो मतलब पैरों में ये अबा आई, पैरों में अबा आई जो जमीन के ऊपर। अब जाहिर के बाद अगर ऐसा हो उमूमन तो उसकी सूरत क्या होगी? अब अगर यहां के ऊपर कोई बच्चा खुतबे के दरमियान में जुमे के दिन कोई बच्चा आ रहा हो और आते आते चलिए हमारा ही बच्चा, हमारे ही घर का बच्चा सही आ रहा हो और आने के बाद मलबा जो गिर गया, तो खुतबा मुनकता तो नहीं किया जाएगा, खुतबा रोका तो नहीं जाएगा, खुतबा रोक के वहां जाके उठाया तो नहीं जाएगा। पर सूरत यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा बयान करने के दो बच्चा गिर गया उसको उठा लो, या देखो बच्चा आ रहा है उसको गोद में ले लो, यही सूरत तो होती है। और हो सकता है कि उमूमन होता भी कि लोग दौड़ जाते हैं, हो सकता है शायद कोई बढ़ा भी हो सकता है शायद कोई बढ़ा भी हो, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन मस्जिद की तरफ चले और अबा के दामन में पैर उलझे, अब तारीख में तो यही है, रवायत में तो यही है कि पैगंबर ने खुतबा मुनकता कर दिया, रोक दिया खुतबा। पैगंबर बताना चाहते हैं ये खुतबा रोक के और ये खुतबा मुनकता करके, क्योंकि जब पैगंबर इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लेके आए हैं मिंबर के ऊपर तो आपने जुमला कहा है आगोश में उठा के, हाजा हुसैन उन फारिकु हो, पहचान लो ये मेरा हुसैन है। मदीने में कौन नहीं जानता था कि ये हुसैन है, ये फातिमा के बेटे हैं, ये पैगंबर के नवासे हैं, रसूलुल्लाह अपनी आगोश में लिए हुए हैं, सबको पता है कि रसूलुल्लाह के नवासे हैं। फिर ये रसूलुल्लाह क्या बताना चाहते थे? रसूलुल्लाह यही बताना चाहते थे कि ये जो दीन मैं तुमको बता रहा हूं, ये दीन तुम तक पहुंचा रहा हूं, ये इसी हुसैन की वजह से बचेगा, ये इसी हुसैन की वजह से आगे बढ़ेगा, पहचान लो ये मेरा हुसैन है। मदीने में पहचानवा रहा है इमाम हुसैन को, खुदवा मुनकदा कर दिया, खुदवा रोक दिया। अच्छा, तारीख में दो मकाम ऐसे नजर आए कि जहां पर पैगंबर ने खुतबा रोका है, एक बेटे के लिए और एक बाप के लिए। बेटे के लिए मस्जिद में खुतबे को रोका और बाप के लिए गदीर में खुतबे को रोका। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गदीर में आमतौर से मशहूर यह है कि हुजूर जब खुतबा पूरा कर चुके तो आपने उठाया, नहीं खुतबा पूरा नहीं हुआ था, अभी खुतबा बाकी था और उसके बाद भी एक हिस्सा है खुतबे का जो हुजूर ने दिया है, आप खुतबा उठाकर देख लीजिए, जहां पर उठाया है वहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर हुजूर ने खुतबे को रोका और अली को उठाया और उसके बाद फिर पहचानवाने के बाद बताने के बाद मनकुन तो मौला कहने के बाद फिर खुतबा जादू कर दिया हुजूर ने। तो तारीख में दो ही मौके नजर आए हैं, या तो बेटे के लिए खुतबा रोका और या फिर बाप के लिए खुतबे को रोका। यही इमाम हुसैन है और यही दौरे रिसालत है। ईद का जमाना है और इमाम हसन इमाम हुसैन पैगंबर के हमराह निकले, दोनों नवासों ने फरमाइश कर दी, या रसूलल्लाह नाना मदीने के सारे बच्चे तो अपने नाकों के ऊपर सवार है, हमारा नाका कहां है? हुजूर ने कहा कि आओ, एक निवासी को बाएं शाने पे, एक निवासी को दाहिने शाने पे बिठा ला और दोनों शानों पर बिठाने के बाद पैगंबर चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। अब इधर से पैगंबर जा रहे हैं, उधर से साथ तशरीफ ला रहे हैं। तारीख की मारूफ और मशहूर बहुत ही शख्सियत और नाम, और आने के बाद जैसे ही सामने हुजूर को इस अंदाज से देखा कि एक शाने के ऊपर हसन को बिठा ले, एक शाने पे हुसैन को, एक शाने पे छोटे नवासे, एक शाने पे बड़े नवासे को, पर करीब आने के बाद कहते हैं कि क्या अच्छी सवारी है। उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह कुछ तारीफ कर देंगे, यहां मेरी तारीफ कर दी आज, क्या अच्छी सवारी है। हुजूर ने जैसे ही इन्होंने कहा क्या अच्छी सवारी, हुजूर ने कहा खामोश, तुमने सवारी देखी सवार नहीं देखे, ये सवारी सबको नसीब नहीं होती है, ये हसन हुसैन जैसे शहसवारों को नसीब होती है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और मदीने की गलियों में भी अपने दोस्त के ऊपर सवार करके लोगों को बता रहे हैं हाजा हुसैन उन फारिकू, वो पहचान लो ये मेरा हुसैन है। ये पैगंबर क्या बताना चाहते, बस मैंने तमाम किया। हुजूर क्या बताना चाहते थे कि हाजा हुसैन उन फारिकू, वो पहचान लो ये मेरा हुसैन है। हुजूर जानते थे कि मेरे इंतकाल के बाद ये उम्मत हमारी आल की निस्बत ऐसी हो जाएगी कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, लिहाजा जिंदगी में बता दे और हुज्जत तमाम कर दे ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमको पता नहीं था कि हुसैन की यह अजमत है, हमको पता नहीं था कि हसन और हुसैन का यह मकाम है, हमको पता नहीं था कि जहरा के घर की यह अजमत और यह मकाम है। पैगंबर जिस निवासे के लिए सजदे को तूल दे रहे थे, जिस निवासे के लिए खुतबे को मुनकता कर रहे थे, जिस निवासे को अपने दोस्त के ऊपर सवार करके मदीने की गलियों में पैगंबर पहचानवा रहे थे, वही निवासा अहमद करबला के मैदान में आवाज दे रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसना, आया कोई है मेरी नुसरत करने वाला, है कोई मेरी मदद के लिए आगे बढ़ने वाला। आजादारो सब तो शहीद हो चुके थे, कौन था कि जो ईमान की नुसरत और मदद के लिए आगे बढ़ता। ईमान के कानों में रोने की आवाज आई, सबक पूछा, पता चला कि खैमे में असगर बेकरार हो गया है। इमाम ने अपने इस बच्चे को लिया, मैदान में आए, अजादारों पानी का मुतालबा किया, पानी के बदले में हुरमुला का तीर चला और बच्चे ने इमाम के हाथों पर दम तोड़ दिया। इसके बाद इमाम भी मैदान में आ गए, वो मंजिल और मौका भी आया कि जब इमाम घोड़े से जमीन के ऊपर तशरीफ लाए, शिमर मलून आगे बढ़ा, अब जो गुस्ताखी की तो जमीन कांपने लगी, आसमान हिलने लगा, फिजा में आवाज गूंजी, अला कतल अल हुसैन व करबला, अला ज़बह अल हुसैन व करबला। अज़ादारों क्या इसी पे जालिमों ने कि जुल्म का खात्मा हुआ? नहीं नहीं, अभी जुल्म का खात्मा नहीं हुआ है। अज़ादारों बाद शहादत हुसैन तो इससे भी ज्यादा जुल्म हुआ है। लाश को घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया, खैमों में आग लगा दी गई, अहले हरम के सरों से चादरों को उतार लिया गया, करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया गया। ये अय्याम अहले हरम की असीरी के अय्याम हैं। कहते हैं कि जिस वक्त ये काफिला करबला से रवाना हुआ है कूफे की तरफ, एक मंजिल के ऊपर काफिले को रोका गया। किसी ने सबक पूछा, खैरियत पर काफिले को क्यों रोका गया है? का शिम्र फरात के ऊपर पानी लेने के लिए गया है, अपने साथियों को लेकर पानी लेने के लिए गया है। थोड़ी देर न गुजरी थी कि शिम्र अपने साथियों के साथ पानी लेके फरात से वापस हुआ और आने के बाद एक एक अपने सिपाही को उसने सैराब करना शुरू कर दिया। छोटी सकीना, नन्नी सकीना देख रही थी, बस एक मरतबा बेकरार होकर पुपी अम्मा की खिदमत दर्ज करती है, पुपी अम्मा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी थोड़ा सा पानी इस मलून से ले लूं। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, बेटी शिमर बहुत सखी है, उसको पानी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ। जनाब सकीना आगे बड़ी, मलून थोड़ा सा पानी दे दे। अजादारों जब सकीना दाहिनी तरफ आती थी, शिमर अपना रुख बाई तरफ कर लेता था। सकीना समझी कि शायद जब ये सारे सवारियां और सारे सिपाही पानी पी लेंगे तब शायद मुझे पानी मिल जाएगा। सारे सिपाहियों ने पानी पी लिया, सकीना आगे बड़ी, मलून अब तो दे दे पानी। फिर एक मतलब उसने घोड़ों को पिलाना शुरू कर दिया। अजादारों सकीना समझी कि शायद जब घोड़े सैराब हो जाएंगे तब मुझे पानी मिल जाएगा। अब जब सिपाही भी सैराब हो गए, घोड़े भी सैराब हो गए, सकीना नन्ने नन्ने कदमों से आगे बढ़ी, मलून मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। अजादारों जब दाहिनी तरफ जाती थी बाईं तरफ रुख कर लेता था, बाईं तरफ जाती थी दाहिनी तरफ रुख कर लेता था। एक मरतबा मलून ने अपना रुख फेरा और मशकीजे के तहाने को जमीन के ऊपर खोल दिया। सकीना ने बहते हुए पानी को देखा, अजादारों मतलौती गीली मिट्टी पर हाथों को रखा, करबला कर उतर के आवाज दी, तशाब पास जरा कूफे के रास्ते में आ जाओ, जालिम सैराब हो रहे हैं लेकिन आपके बच्चे अभी भी प्यासे हैं, सकीना अभी भी प्यासी है, अहल हरम अभी भी प्यासी। लानतुल्लाह अलल कौम الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، مولا کے حرم کی حفاظت فرما، مولا کے زائرین کی حفاظت فرما، اس سال اور ہر سال مولا کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم.